वीर फ्रॉम आगरा, आगरा से। पहली बार केला? हाँ पहली बार केला। बहुत खूबसूरत आपका स्टेट है, हरा भरा सब कुछ। यहाँ पे थोड़ा आयुर्वेदिक यानी स्पाइसेस का वगैरह एक प्लांटेशन है, डेमोस्ट्रेशन हम सबको दिखाने के लिए जरा रखा हुआ है, घूम के आ जाएंगे। उसके बाद में अंदर दुकान भी है, मैंने बोला मैं से कुछ भी आपको चाहिए तो आप उधर से परचेस कर सकते हैं। श्योर। तो पहले आपने देखा हमारा जायफल का झाड़ है, जायफल जावेंद्री मालूम होगा। हाँ जायफल फ्रूट, ये देखिए फ्रूट। हाँ इसका जायफल का फ्रूट पकने के बाद में और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाता है। हाँ, तभी पेड़ों में से फ्रूट अपना फूट जाता है। फूटने के बाद में इसका अंदर आते हैं जायफल और उसमें कवर करते होते जावंद्री। ओके नटमेग नटमेग। ओके दोनों भी एक ही फ्रूट का अंदर रहता है। ये तो मल्टीपर्पज है, आपको मालूम होगा गैस एसिडिटी का दवा में, स्वीट्स में, कॉस्मेटिक्स आइटम्स में, मसाले में वगैरह यूज होता है। और इसको रेगुलर यूज भी नहीं करने के, इसके अंदर एक निकोटिन भी है। ओके लाइक हम एक बिरयानी वगैरह खाने के बाद में सोने के जैसा मन करती है ना, उसका साइड इफेक्ट्स है। तो कभी भी आप इसको यूज कर रहे थे तो हम स्मॉल क्वांटिटी यूज कर, छोटे बच्चे को भी दिया जाता है ना, बच्चे लोगों को खींच के इसका पाउडर खाने के लिए देता है। लेकिन इसका मेडिकेटेड वाले उनको स्टोमक पेन गैस निकल जाएगा, इसका सजेशन की वजह से बच्चे लोग सो जाता है। ओके तो आप रेगुलर यूज करते हैं तो जो नींद टैबलेट लेते हैं ना वैसा हम एडिक्ट हो जाएगा जैसा। ओके मेलाटोनिन का इसका नाम प्लम्बागो। मेनली आयुर्वेदिक में इसको रूट और पत्ता इसका साथ में 64 वैरायटी रूट्स एंड लीफ सब मिलाकर ऑयल बनाता है फॉर जॉइंट पेन के लिए। हमारा जॉइंट पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन वगैरह होता है ना, उसके लिए दवा बनते हैं। कितना पुराना साल से आया वो दर्द है वो सारा निकालने के लिए एकदम अच्छा होता है। अभी थोड़ा उम्र होने के बाद में कैसे बैठ के उठने के टाइम मुश्किल होता है, चलने के टाइम उठने में दर्द आएगा, जो हड्डी का प्रॉब्लम, हड्डी के अंदर एक फ्लूइड रहते हैं ना निकलने की वजह से पेन्स होगा, जो भी है आप इसका तेल यूज़ कर सकते हैं। बहुत साल से आया वो दर्द है उन्होंने 3 महीने कंपल्सरी यूज करना पड़ता है, क्योंकि दर्द 10-15 दिन में निकल जाएगा, फिर भी जो फ्लूइड को वापस करने के लिए उतना टाइम लगता है। हम बेड पेट का काम कर रहे थे लोअर बैक पेन, जो स्पॉन्डिलाइटिस और आर्थराइटिस वगैरह बोलते हैं ना, जो भी है आप इसका तेल यूज कर सकते हैं। ओह दैट्स वेरी यूजफुल। मैंने पाइनएप्पल ज्यादा खा लिया कल, तो मुझे कल क्या अभी क्या खाना चाहिए आपके पास का कुछ होगा? मतलब नहीं, पाइनएप्पल तो अच्छा है ना। नहीं मुझे लेकिन थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो मैं एक पाउडर लेती हूं। और पे देखिए कॉफी बीन्स, अभी तो सीजन शुरू हो रहा है, दिख रहा है बीच में रेड कलर का, हां रेडिश, पूरा पकने के बाद में एकदम रेडिश कलर होगा, तभी निकल के 15 तो 20 दिन धूप में डाल के सूखेगा, फिर रोस्टिंग करके बनाता है कॉफी पाउडर। ओके कुछ कॉफी वगैरह पीने के टाइम कड़वा लगता है ना, रोस्टिंग का डिफरेंट में होगा, ज्यादा रोस्टिंग होगा कम होगा तो भी कॉफी का टेस्ट निकल जाता है। ओके ऐसे प्योर वाला कॉफी अपने डेली पीते हैं तो हेड पेन, स्ट्रेस वगैरह तो निकलने के लिए तो अच्छा होता है। फिर भी आपको मालूम होगा डॉक्टर लोग बोलते हैं ज्यादा कॉफी पीने का नहीं, बॉडी को ठीक नहीं है करके, वो वाला हम दुकान में मंगवाना कॉफी में चिक्कुरी है, चिक्कुरी मालूम है आपको? चिक्कुरी मतलब हैदराबाद का एक प्लांट है, उसका रूट निकल के उन्होंने कॉफी के साथ मिलाता है, वो वाला एक निकोटिन। लाइक हमें एक बार कॉफी पी रहे तो बार बार पीने के लिए जो टेंडेंसी हो रहा है ना, जो एडिशन के लिए मिलाता है उसको सिर्फ साइड इफेक्ट्स आएगा। ऐसे प्योर वाला कॉफी आपको डेली पी सकते हैं, इसको कुछ साइड इफेक्ट मतलब विदाउट चिकोरी वाला कॉफी मंगवा के यूज कर सकते हैं। ओके बट जो कैफीन का कंटेंट जा रहा है वो तो हाँ, वो वाला चिकोरी में ज्यादा होता है। ओके ओके और अपने देखिए पत्ता, इसको सगजरादी बोलता है, इसको रूट और पत्ता दोनों मिलाकर तेल बनाते हैं फॉर वेरिकोस वेन के लिए। वेरिकोस मालूम है? नहीं। जो पैरों पर ग्रीन कलर का नस चढ़ता है ना, वेन्स बाहर दिखता है, उसके लिए तेल बनाता है। इसका तेल पैरों में नीचे से ऊपर का तरह अपर पोजीशन में मसाज करना। हम नॉर्मली कैसे कुछ ऑयल लगाने का टाइम नीचे लगाते हैं, जो वेरिकोस पेशेंट्स कभी भी नीचे तक मसाज नहीं करने कैसे करते तो उनको बढ़ जाएगा। अपर पोजिशन में करने का टाइम ब्लड के साथ मेल्ट होके निकलने के लिए हेल्प हो जाता है। इलायची कड़म ये सारा भी इलायची है। प्लांट है वाला नीचे देखिए रूट, एरियल रूट में आ जाते हैं इलायची, एक दो दिख रहे हैं ग्रीन। हाँ, ग्रीन ये इलायची है ना। हाँ जी अभी तो सीजन खत्म होने वाला है, हर सालों में हम 8 बार इलायची निकलता है, लेकिन 8 बार निकल रहे तो भी हर टाइम हम 1 by 1 प्लक करना होता है। ओके क्योंकि एक इलायची आने के बाद में 1520 दिन लगेगा दूसरा फूल आके दूसरा पकाने के लिए। हम एक बार निकालने के बाद में 50 दिन गैप होना चाहिए दूसरा बार तीसरा बार निकालने के लिए। ओके ऐसा कच्चा इलायची अभी हमने 1000 किलो निकाल रहे तो 60 डिग्री एक मशीन में डाल के हम सुखाता है, सूखने के बाद में वापस हमको मिलेगा 200 kg, इवन 1000 kg से उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो प्राइसेस बहुत कम होंगे इलायची के ना, मतलब एक ही पेड़ों में से अगर 1 किलो मिलेगा तो 200 ग्राम ही मिलेगा, क्लाइमेट का हिसाब से भी
नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पे आ रहे थे ऑल द वे फ्रॉम कोची टू हियर, वी सॉ सो मेनी कार्डमम ट्रीज, तो यहाँ पे तो उसका प्राइस कम ही होगा ना फॉर लोकलाइट्स. डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्राइस में अगर कम वाला भी मिलेगा लेकिन क्वालिटी भी मिलेगा. क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी इधर से बाहर जाता है. अच्छा अच्छा. हमारा इधर तो फर्स्ट क्वालिटी मिलता है. इंडिया में आप 75% देखेगा तो केरला में यही डिस्ट्रीब्यूट होता है इलायची. सिर्फ आपको ओरिजिनल अगर चाहिए तो सिर्फ इधर ही मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. और आपने देखी ब्राह्मी, ब्राह्मी मालूम है? हाँ, ब्राह्मी तेल. ब्राह्मी हेयर ऑयल में मिलाते हैं स्ट्रेस निकालने के लिए. स्पेशली ब्राह्मी शंख पुष्पी पनगलकन तिप्पली मृद संजीवनी मिलाकर श्यवनप्राश बनाता है. हमारा केरला में एक साल से सारों बच्चों को हम जरूर खाने के लिए देते हैं ब्राह्मी. सारा उम्र को भी खाने के लिए दे सकते हैं. एक बच्चे को सिर्फ नाभि देने के लिए बोलते हैं आयुर्वेदिक में, फॉर लाइफ लॉन्ग के लिए. इसका बेनिफिट क्या है तो आई पावर, ईयर पावर, कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस निकालने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, पढ़ना सब याद आने के लिए, छोटा उम्र पर जो चश्मा रखने का प्रॉब्लम नहीं होने के लिए एकदम अच्छा होता है. अगर छोटा बच्चे लोग चश्मा रखा हुआ तो 6 महीने कंटिन्यू करेगा तो जो पावर ग्लास को पावर कम करके आराम से रिमूव करने के लिए हेल्प करता है. और बड़े लोग के तो ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, उनको गुस्सा कम करने के लिए अगर हमने ज़्यादा काम करते उसका वजह से स्ट्रेस आएगा, नींद वगैरह नहीं होता, तो ब्रह्मी का श्रवणप्राश ले सकते हैं. तो उम्र होने के बाद में यादशक्ति कम हो जाएगा ना, वैसे तो भी ले सकते हैं. मतलब ऐसा कुछ उम्र नहीं है, 1 साल से शुरू करके सारा उम्र को भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. तेजपत्ता बेलीफ मालूम है ना, बिरयानी लीफ. इसको निकाल के अमारदा शेड में डाल के सुखाते बेलीफ. अन ये बड़ा पेड़ जैसा हो जाएगा तभी इसका छिलका निकालते हैं दालचीनी. सिनेमन मालूम है ना? ओके, सेम सेम ट्री से आती है वो दोनों चीजें. आता है दालचीनी, तेजपत्ता, दोनों भी एक ही जड़ों में से निकलता है. ओके नाइस. वाइल्ड जिंजर, जंगली अदरक बोलते हैं. इसका अंदर का अदरक यानी इसका रूट, इसका त्रिबला वगैरह मिलाकर जो पाउडर बनते हैं फॉर स्टमक प्रॉब्लम के लिए. पेट में आया वो गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ खाना खाने के टाइम जलने के जैसे हो रहा है, मसाले आइटम्स का तो वोमिटिंग सेंसेशन, ट्रैवलिंग में वोमिटिंग हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए, मोशन क्लियर जाने के लिए, अल्सर है तो भी निकालने के लिए अब यूज़ कर सकते हैं इसका पाउडर. किसी किसी का कुछ खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे फिर भी गैस एसिडिटी होते रहेगा ना, वैसे तो भी निकालने के लिए हेल्प होता है. संजीवनी, संजीवनी बूटी, हनुमान संजीवनी बूटी नहीं है. ओके. उसका फैमिली वैरायटी है. ओके. इसका रूट और पत्ता, इसका साथ भी त्रिबला वगैरह मिलाकर, जंगल ब्रिंजर, ये सब मिलाकर जो काढ़ा बनाते हैं फॉर पाइल्स के लिए. ओके. पाइल्स, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, ब्लीडिंग पाइल्स से तो भी निकालने के लिए हेल्प करता है. इंडिगो, इंडिगो मालूम है? इंडिगो इसे हेयर कलर सुना होगा, है डाई इसे बनाता है. लेकिन हम डाई वगैरह यूज़ करने के टाइम कम से कम हमारा बाल को 1 महीने काला रहेगा, उसके बाद में जरा आपने देखो 1-2 व्हाइट हेयर है वहाँ पे पूरे ज़्यादा व्हाइट हेयर होते रहेगा, क्योंकि इसमें अमोनिया मिक्सिंग हो रहा है. अमोनिया का साइड इफेक्ट से तुरंत कलर आएगा, हमारा काला बाल को भी व्हाइट नहीं करते क्योंकि बार बार हम यूज़ करने के लिए. आयुर्वेदिक में इंडिगो, एलोवेरा, भृंगराज, हाइबिस्कस, केशवर्धिनी, ब्राह्मी, आंवला सब मिलाकर 108 प्लांट और रूट से बनाते एक हेयर ऑयल. उसमें हेयर फॉल्स कम करने के लिए, हेयर अच्छे से ग्रोथिंग करने के लिए, हेयर को थिकनेस बनने के लिए, डेंसिटी बनने के लिए, डैंड्रफ तो निकलने के लिए, अगर प्री मच्योरिंग रहे, छोटा उम्र पे जो व्हाइट हेयर होता है ना 45-50 उम्र के अंदर लोग, उनको व्हाइट हेयर है तो भी काला करने के लिए डाई का भी ना काला हो जाता है, जैसे कि मेरी दाढ़ी काली हो गई है. हाँ, 31, हो जाएगा दोबारा से काला हो जाएगा. हाँ जी, क्योंकि, क्योंकि हमारा बाल का मेलानिन निकलने का टाइम जो व्हाइट हेयर होता है तो इसका दवा जो बालों का मेलानिन को प्रोटेक्ट करता है. तो इसकी लीफ से बनता है, इसके जो बीज आ रहे हैं. हाँ जी. इसमें मेनली बाल का मेलानिन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं तो इसमें अंजना स्टोन मिलाता है. अंजना स्टोन मालूम है? जो पुराना लोग आपको आईब्रो बनाते था ना काला कलर मिलने के लिए, वो वाला जो गोल्ड से भी ऊपर प्राइस है, उसको निकाल के उन्होंने हेयर ऑयल का अंदर डालते हैं, बाल का मेलानिन को प्रोटेक्ट करता है. इसका वजह से सफेद बाल को नेचुरली काला करेगा. इवन आपको एलोपेशिया मालूम है? एलोपेशिया कुछ कीड़ा काटा जैसा बाल निकलते हैं राउंड राउंड, पैचेस जैसा हेयर फॉल्स होगा, वैसे तो निकालने के लिए, बोल्ड हेड हो रहे तो निकालने के लिए, उसको सिम्टम्स हो रहे तो भी आप लगा सकते हैं इसका तेल. वैसे आपके तो एक भी बाल सफेद नहीं है. हम तो छोटा उम्र से. और आपने देखे मधुनाशिनी. ओके.
कॉमन नेम इंसुलिन प्लांट फॉर शुगर के लिए। घर पे किसी को शुगर है तो पता है, एक दवा लेते तो लाइफ लॉन्ग पूरा लेना पड़ता, बीच में बंद नहीं कर सकते ना। लेकिन आयुर्वेदिक ऐसा नहीं है, 3 महीने से 6 महीने तक एक कोर्स देता है। उस टाइम आपने बराबर यूज़ कर रहे तो उसके बाद में शुगर के लिए कुछ दवा कंटिन्यू करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी में इंसुलिन लेवल कम होने के टाइम शुगर आता है। इसका दवा जो बॉडी में इंसुलिन का काम करते हैं, इंसुलिन आने के टाइम ऑटोमेटिकली ओवर वाला शुगर बॉर्डर पर आ जाएगा। उसके बाद में जो भी अपने खाना करे उसको थोड़ा कंट्रोल करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, बीच बीच में शुगर चेक कर रहे तो बिना दवा में चलने के लिए हेल्प हो जाता है। ओह नाइस। तो आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ ये दवा खा के बिल्कुल अपने डायबिटीज खत्म कर चुके हैं? डायबिटीज कभी भी क्योर नहीं होगा बॉर्डर पर, बहुत सारा लोग है, क्योंकि हमारा इसमें स्पेशल क्या है, तो जो भी दवा हम दे रहे हैं उनको दूसरा बार उसको चाहिए तो डायरेक्टली हमसे कॉल करके मंगवाना पड़ता है। हमको और कहीं दुकान ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कहीं पे भी नहीं है, आप डायरेक्टली हमसे बात करके मंगवाना पड़ता है। ओके, तो जो काम आप ये कर रहे हैं और भी तो लोग यहाँ पे करते ही होंगे केरला में, मतलब स्पाइसेस गार्डन तो होगा लेकिन आउटलेट मेडिसिन वगैरह सिर्फ इधर ही रहता है। अच्छा, हमारा कुछ डॉक्टर लोग बनाता है। दिस इज योर स्पेशलिटी? ये सिर्फ आपको एक डेमोंस्ट्रेशन है, इससे बिना आपका जंगल का अंदर ऐसे करके फार्म भी है, वहां से कलेक्ट करके लेके आके गवर्नमेंट का अंडर टूरिस्ट में उन्होंने बनाता है डॉक्टर लोग। सो हम सब आयुर्वेदिक सीखा हुआ है तो अच्छा। ओके, आयुर्वेद भी तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और नर्स फार्मासिस्ट वगैरह है। और अपने देखिए ब्रह्म कमलम, हर सालों में सिर्फ 2 ही बार फ्लावर आएगा, वो फ्लावर इसका साथ में केसर का फ्लावर मिलाकर ऑयल बनाते कुंकुम आदि तैलम फॉर फेस के लिए। हमारा जो फेस है पिंपल्स रिंगल्स पिगमेंटेशन आंखों के नीचे का ब्लैकनेस पिंपल्स के गया मार्क चिकन बॉक्स मार्क एंडियोजेनिस सनडंग रिंगल्स हमारा बर्थमार्क का बिना जो भी मार्क्स है उसके लिए हम कुंकुम आदि तेल यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए जो प्रोडक्ट जैसे कि आप लोग बता रहे हैं उसमें अमोनिया मिला देते हैं तो ये लोग क्यों ऐसा करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक यूज करने के लिए? नहीं, अगर वो सिर्फ उस रॉ प्रोडक्ट अमोनिया के अलावा दें, नहीं है तो एक ही बार में काला नहीं होगा ना। ओके, अच्छा, तुरंत कलर आने के लिए अमोनिया मिक्सिंग करते हैं, लेकिन आया हुआ जो वाइल बाल है उसको फिर भी वाइट करते हैं, अमोनिया का साइड इफेक्ट्स। एक ही दिन में कुछ भी लगा तो नहीं होगा, लेकिन ये अगर लगाएंगे एक बार में नहीं करेगा, लेकिन एक डेढ़ महीना से शुरू करता है। ओके, एक पर पर्सन को 6 to 8 months के लिए देता है एक बोटिल, 1.5 month में दो सफेद बाल को आराम से निकालते ब्लैक कन्वर्ट करता है। फॉर 6 to 8 months क्यों बोल रहे तो वापस नहीं होने के लिए। ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। केशवर्धिनी फॉर हेयर ग्रोथ थिकनेस डेंसिटी, जो मैंने इंडिगो बताया ना उसमें वगैरह मिलाता है, अलग से हेयर ऑयल भी बनाता है, नाम ही केशवर्धिनी है। केशवर्धिनी है। राम तुलसी, तुलसी में 4 varieties है, राम तुलसी, हनुमान तुलसी, कर्पूर तुलसी, कृष्णा तुलसी। ये तुलसी है? हाँ। ओह यस। इसको निकल के हम तेल बनाता है, इससे अजवाइन बनती है क्या? अजवाइन अलग से, इसमें खुशबू बिल्कुल वही आ रही है ना, यही अजवाइन का। ओके, हाँ, तुलसी सब मिलाकर ऑयल बनाते हैं फॉर माइग्रेन के लिए। ओके, माइग्रेन मालूम है ना, माइग्रेन साइनसस एंड इंसोमेनिया, ओके, जो नींद का प्रॉब्लम होता है ना उनके लिए। रात को सोने से पहले इसका तेल हमारा सिरप पे 4 drops डाल के सो जाना। माइग्रेन साइनसस एंड इंसोमेनिया है तो 2 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं आपको। हाँ, ऊपर से देखो पता चल रहा है तुलसी जो उसके वो आ रहे हैं ना। वेरी नाइस। अश्वगंधा, अश्वगंधा मालूम होगा, अश्वगंधा फॉर जेंट्स लोग के लिए होता है। लाइफ में एक बार जरूर लेने के लिए बोलता है। एक बार क्यों बोल रहे हो तो इसमें सिर्फ अश्वगंधा नहीं है, अश्वगंधा मोस्टली व्हाइट मोस्टली अजीगरा सब मिलाकर बनाता है, इसके लिए लाइफ में एक बार बोल रहे हैं। इसका बेनिफिट बॉडी क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर, बॉडी हीटनेस कम होने के लिए, टायर्डनेस कम होने के लिए, ऑल ओवर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए, मसल ग्रोथ के लिए भी होता है। इवन प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं ना जिम में जाकर, उससे बिना आपको ले सकते हैं अश्वगंधा, इंक्रीज करता है जिससे मसल बिल्ड होते हैं। हाँ जी, इवन आफ्टर मैरिज अभी बेबी के लिए वगैरह तैयार हो रहे तो स्पर्म काउंटिंग प्रॉब्लम्स सेक्सुअल इश्यूज वगैरह नहीं होने के लिए भी प्रोटेक्शन में भी ले सकते हैं अश्वगंधा। और अपने देखिए पेड़, इसको मरसोपियम बोलता है, मरसोपियम बड़ा पेड़ जैसा हो जाएगा, तब इसको कट करके इसका अंदर एक मिडिल वुड है उसको निकाल के साथ में अर्जुनचाल करके एक पेड़ भी है, मालूम है अर्जुनचाल, उसका छिलका वगैरह मिलाकर जो पाउडर बनता है फॉर वेट लॉस के लिए। ओके, वेट लॉस मतलब जीरो से इसने बोलता है, हमारा जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट लाइक बेली फैट, बेली फैट, हैंड फैट, थाई फैट, ओबेसिटी, एक्स्ट्रा फैट कहाँ पे है उसको मेल करने के लिए, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इवन बैड कोलेस्ट्रॉल, किसी स्किन में बोल बोल जैसा कोलेस्ट्रॉल रहते हैं ना वैसे तो भी मेल्ट होकर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक अ टी कॉफी जैसा। ओके, वेरी नाइस।
यू पीपल आर ब्लेस्ड विद नेचर विद सो मेनी थिंग्स. मंगोटो देवा इसका नाम है. पूरा पकने के बाद में रेडिश कलर होगा, तभी निकाल के स्लाइस करके इसको पाउडर सुखा के पाउडर बनता है. फिर इसका साथ में 5 पेड़ का छिलका वगैरह मिलाकर मेडिसिन बनाते हैं फॉर ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं. अजवाइन मैंने दिखाया ना, अजवाइन मालूम है ना, ये तो अजवाइन नहीं है, उसका फैमिली वैरायटी है. स्मेल करके देखिए, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट खुशबू है. इसको इरुवेली बोलता है. इसका काढ़ा बनाते फॉर किडनी स्टोन के लिए. किडनी स्टोन एंड यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो अब इसका काढ़ा पीते हैं तो यूरिन जाने का टाइम स्टोन मेल्ट होकर निकलने के लिए हेल्प हो जाता है. वेरी नाइस. सर्पगंधा इसका लीफ निकाल के इसका साथ में 18 लीफ सब मिलाकर ऑयल बनाता है फॉर स्किन डिजीज के लिए, जो सोरियासिस यानी फंगल इन्फेक्शन, ड्राइनेस, इचिंग, एक्सिमा, जो भी स्किन एलर्जीज है निकालने के लिए अब यूज़ कर सकते हैं. सोरियासिस यानी एक्सिमा है तो इसका साथ में हम एक काढ़ा भी देते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए. ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं तो स्किन डिसीज कम्प्लीटली निकल जाएगा, नहीं तो वापस आने के लिए चांसेस रहता है. डेकोरेशन प्लान है, ये सिर्फ नवंबर से फरवरी तक के फ्लावर, बाद में कभी भी नहीं आएगा. नाइस. पेपर, ब्लैक पेपर मालूम है ना जी, ये तो एक बेल है, ऐसे छोटे पेड़ में बांध बांध को हम इसको बना रहे हैं. नाइस. देखिए ग्रीन कलर, इसको निकाल के हम धूप में सुखाते हैं, ब्लैक पेपर मिलेगा. पेपर इसी को निकाल के सुखा देते हैं. हाँ जी. पेपर में 4 वैरायटीज होता है, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर. 4 वैरायटी भी बनाया हुआ है एक ही प्लान में से, सिर्फ उसका प्रोसेसिंग अलग है. तो मतलब अगर इसको ग्रीन तोड़ के निकाल दिया तो ये ब्लैक हो जाता है. हां, इसको कच्चा निकाल के सुखाएगा, ब्लैक कच्चा इसे छोड़ेगा तो पक जाएगा, तभी रेड हो जाएगा. हाँ, रेड हो जाएगा. रेड और ग्रीन ऐसा निकलता है. अगर रेड को निकल के एक हफ्ते पानी में डाल के रखेगा तो उसको छिलका निकल जाएगा, अंदर को जो सीड मिलेगा वही व्हाइट पेपर. ऐसा 4 वैरायटीज निकलता है. कॉमनली इसको केरला पेपर बोलते हैं क्योंकि देखने में स्मॉल साइज है ना, लेकिन तिक्का ज्यादा वाला अनमेडिकेटेड वाला होता है. इसका टेस्ट वैसे ही पेपर जैसा होगा, ब्लैक पेपर जैसा, थोड़ा स्पाइसी होगा. हो गया, नीचे गिरा, चलेगा. दिख भी नहीं रहा मुझे तो. चाहिए और आपको? फेस बिल्कुल फ्रेश है. नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए. और अभी देखिए शदावरी, एस्पेरागस बोलता है. शदावरी तो एक बेल है, इसको रूट में आलू जैसा छोटा सीड आएगा, उसको निकाल के दवा बनते शदावरी फॉर लेडीज के लिए. उनका गायनिकल प्रॉब्लम्स, मंथली पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे, अगर बराबर आ रहे तो वे स्टमक पेन, बैक पेन निकालने के लिए पीसीओडी थायराइड भी यूज कर सकते हैं शदावरी. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी लेडीज लोग शदावरी खाते हैं तो हॉर्मोन्स, हाँ, हॉर्मोन्स बैलेंसिंग करने के लिए, बॉडी टायर्डनेस, वीकनेस निकालने के लिए, ऑल ओवर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं. लाइक जेंट्स के लिए अश्वगंधा बताया ना, वैसे लेडीज को ले सकते हैं शदावरी. कोको चॉकलेट बनते है ना, पपाया जैसा है, पकने के बाद में येलो कलर होगा, तभी निकल के कट करने के टाइम इसका अंदर 20-30 सीड्स होता है, उसको निकल के रोस्टिंग करके बनाते हैं कोको पाउडर. सीड्स को निकाल के, ओके. सीड का बाहर एक पल्प भी है, उसको एक्सट्रैक्ट करके जो बॉडी लोशन भी बनाता है, कोको बॉडी लोशन विद शिया बटर के साथ. ओके. और ये इसमें जो चींटियां लग गई हैं क्या उसे खराब कर रही हैं? नहीं नहीं, वो अभी निकल जाएगा. अच्छा. अडुलसा, अडुलसा मालूम है ना, अडुलसी, तुलसी, अजवाइन, ड्राई जिंजर वगैरह मिलाकर दवा बनते कफ, कोल्ड, डस्ट एलर्जी, आस्मा है तो निकलने के लिए. किसी किसी को सुबह सुबह उठने के टाइम आंखों में से पानी आते हैं, बहुत खांसी आएगा, कूलिंग खाना खाने का टाइम एलर्जी, क्लाइमेट चेंज का टाइम एलर्जी, जो भी है निकलने के लिए अब यूज कर सकते हैं. बच्चों को वगैरह ज्यादा कफ आएगा तो उन्होंने स्पेट नहीं करते ना, इसका दवा खाने के लिए देते तो लेंस को क्लीन करके मोशन के साथ कफ मेल्ट होकर निकल जाएगा. पेड़ को देखिए, सर्व सुगंधी, सर्व सुगंधी मतलब ऑल स्पाइसेस इन वन लीफ. इलायची, लवंग, दालचीनी, मिरी वगैरह मिलाकर हम गरम मसाला बनते हैं ना, आप जरा स्मेल करके देखिए, वो सारा स्मेल आपको एक ही चीजों में मिलेगा. हल्का हल्का पान का भी स्मेल आ रहा है ना. इसमें मिरी जैसे छोटा सीड आएगा, उसको निकल के हम सुखा के पाउडर बनते हैं नेचुरल गरम मसाला. हम इलायची लौंग सब डालते हैं ना, इससे भी ना आप इसको डाले हो तो सारा मसाला, इवन मसाला टी में वगैरह डाले हो तो भी अच्छा स्मेल आता है. हनुमान तुलसी, बैट चाहिए चिल्ली, इसका साइज इतना ही है. ओके, पर आप लोगों को वहाँ पे लंबे वाला मिर्ची मिलता है ना, वो 8-10 तक डालने का भी ना, आप इसको एक डालो सारा मसाला का स्मेल टेस्ट एक ही चीजों में मिलेगा आपको. और एक अगर खा लो तो पागल. हाँ. हमारे इधर तो डेली यूज करते हैं. okay. पिकल बनाता है, ड्राई करके रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं आएगा. सैंडल, व्हाइट सैंडल,
मेनली आयुर्वेदिक में सैंडल का एक्स्ट्रैक्ट यानी रेड सैंडल का एक्स्ट्रैक्ट साथ में हल्दी वगैरह मिलाकर ऑयल बनाते हैं फॉर स्किन के लिए, स्किन टैंग निकालने के लिए, ड्राई स्किन, डेड स्किन निकालने के लिए वगैरह हेल्प हो जाता है। रेड सैंडल तो यहाँ होता नहीं होगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पे जयफल मैंने आगे दिखाया ना, यही है। अब इधर आके देखिए, सीधा ऊपर देखिए फोटा वाला, वो भी जायफल है। चिड़िया दिख रहे हैं? हाँ हाँ। उसके आगे देखिए फट गया। हाँ हाँ, फट गया वो ऊपर। तो उसका अंदर लाल कलर दिख रहे हैं? हाँ हाँ। वो ये जायफल, उसका अंदर है उसमें कवर करते हो जावंत्री भी। ओके। जो बाहर का छिलका है ना स्किन, इसको निकाल के हम पिकल भी बनाते हैं, नटमेग पिकल। तो ये जायफल वगैरह के पेड़ वहाँ हमारे साइड में नहीं हो सकता ना, एमपी यूपी में है ना? नहीं आएगा उतना तो, क्योंकि क्लाइमेट मेनली इडकी में स्पाइसेस एंड हर्बल्स है, इसके लिए एक प्रोग्राम जैसे इधर रखा हुआ है। ओके। रुद्राक्ष का जा रहे, रुद्राक्ष तो मालूम होगा, रुद्राक्ष मालूम है, दिख रहे अपने फ्रूट। पूरा पकने के बाद में डार्क ब्लू कलर होगा, तभी निकल के एक हफ्ते पानी में डाल के रखेंगे, उसका छिलका निकल जाएगा, अंदर का जो सीड मिलेगा वही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में हर मुगी होते हैं ना, एक मुगी दो मुगी, सारा मुगी भी एक ही पेड़ों में से आता है। Okay. उसमें एक मुगी दो मुगी सिर्फ 20 साल के अंदर एक बार मिलता है। oh. और हमको कॉमनली मिलेगा पंचमुगी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का पेड़ कैसे मालूम पड़ते, तो देखिए पेड़ों में पूरा शिवन का तीसरा आई आ जाता, लाइक अ थर्ड आई। अच्छा, थर्ड आई ऑफ शिवा। एक एक ब्रांचेस निकल जा रहा है ना, अपने पाई जैसा बनते रहेगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। आपका लंच हो गया? जी, अभी अभी नहीं, हमने लंच किया, मेरा बताया ना, मेरा पेट थोड़ा डिस्टर्ब था, बट यू विल हैव लंच। लवंग, लवंग तो मालूम है ना, क्लोज अभी तो सीजन शुरू हो रहा है, दिख रहा है अपने ग्रीन कलर का फ्लावर, एकदम स्मॉल वन। अरे हाँ, पूरा पकने के बाद में देखो, मैं शूट करता हूँ, ये देखो, ये पूरा पकने के बाद में लाल कलर होगा, तभी निकल के इसको सुखाते ब्राउन कलर का लौंग मिलता है। आप लोग को वहाँ पे मिलने के टाइम काला काला ड्राई मिलता है ना, क्योंकि ये सूखने के बाद में इसका अंदर एक तेल रहता है, वो उन्होंने एक्स्ट्रा करके निकलता है। अच्छा। निकलने के बाद में आया वो वही बेचते हैं दुकान में जो काला कलर पे। ओरिजिनल लौंग कैसे मालूम पड़ता है, ब्राउन कलर पे होगा, एक निकल के जस्ट प्रेस करके देखिए उसके अंदर से ऑयल आएगा। नहीं ये तो काके देख लो, एनेस्थेसिया फीलिंग बोलता है, टीथ आक वगैरह कड़क हो जाएगा, इसके लिए टीथ पेन के लिए लवंग आएगा तो अच्छा है करके बोलता है। अर्जुन चाट मैंने बताया फॉर वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म, ओबेसिटी के लिए, उसका साथ इसका छिलका वगैरह मिलाता है। यानी ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। ठीक है, अभी तो मैंने सारा बोल के आ गया, एक डेमोंस्ट्रेशन तो हो गया। इसे भी नाम का एक फार्म है, वहाँ से लेके स्पाइसेस यानी हर्बल सब अंदर रखा हुआ है, आप जरा अंदर आके देख सकते हैं, कुछ चाहिए तो आप उधर से परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में इसका प्रोडक्शन का कुछ भी नहीं है, इसका स्मेल कर सकता हूँ मैं, इसमें उतना तो स्मेल वगैरह। हाँ, क्योंकि उसकी स्मेल जब मैं करता हूँ तो ये मुझे भगा देती है। हाँ, स्मेल नहीं है इसमें। हाँ, okay. सिर्फ आपको रात को लगाना नहीं है। हाँ, वीकली ट्वाइस नाने से एक घंटा पहले। ओके ओके, तो देखना है तो हमारे ये वाला फिंगर यानी मिडिल फिंगर नोज में रख के देखना, अपने हाथ कहीं जा रही है, यही हमारा पॉइंट है। शस्त्रार। हाँ, यहाँ पे 4 drops oil, 2 drops oil हियर, 2 drops oil इधर, और ये एरिया पे भी थोड़ा लगा के सो जाना एवरी नाइट। ये वाला 2 महीने के लिए है। ओके, हफ्ते में 2 बार एक टक के नॉइल निकाल के एक बाउल में रखे, जस्ट फिंगर डिप करके ओनली फॉर स्कैल्प मसाज। ओके, स्कैल्प में पूरा अप्लाई करके 1 घंटे के बाद नहाना, एक उसके बाद नहाऊं? हाँ, 1 घंटे के बाद नहाने के बाद अप्लाई करूं, ये नहाने के पहले अप्लाई करूं? ओके, अगर आपको रात को लगा के रखे सूट, मतलब बचपन से आप लोग ऑयल लगा के रखे सोते हैं, तो आपको नाइट भी लगा के रखे। हाँ, ऐसा ही करते हैं हम। हाँ, दूसरा दिन सुबह नहाते हैं ना, वैसे आप रात को लगा के रखिए, दूसरा दिन ना सकते, सुबह ना सकते हैं। हाँ, जो बाउल में ऑयल निकल रहा है उसको बैलेंस है तो रिटर्न मत करना इसमें, तो बाउल ऐसे ही रखो। करने के बाद में आपको उतना रिजल्ट ज्यादा आता है। ये जो भी दवाइयाँ आप बना रहे हैं वो सब यहीं की मेड ऑफ? हमारा इधर का ही। ओके।